की होगा। देश में कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन की प्रतिक्रिया चल रही है, इसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीप जलाओ एक मुहिम चलाई। इस मुहिम में नगर के लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए हम जो है कुछ जानकारी लेते हैं अपने जो है नगर के लोगों से। मोदी जी की इस वाली मुहिम के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और 9 का अंक हमारे हिंदू समाज में बहुत महत्व रखता है। हमारे हिंदू समाज में क्या साइंटिफिक रीजन में 9 का बहुत महत्व है, इसीलिए मोदी जी ने रामनवमी के दिन में इस बात का आह्वान किया था और पूरा देश इस बात का समर्थन कर रहा है। और आप इसको देख भी रहे हैं कि पूरे हमारे वार्ड में सब पूरी लाइटें बंद हैं और जगह जगह मोमबत्ती और दिए जलाए। दीप जलाने से रामनवमी है, नवमी के दिन होती है। आप इसको बहुत चीजें हैं कि नौ हमारे और हमारी आत्मशक्ति, हमारे जो और साथी लगे हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, पुलिस है, उनको बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम और लोगों को सपोर्ट करने में। ये हमारे सभासद नवीन बसल जी ने काफ़ी जानकारी दी। आइए अभी मुलाकात करते हैं औरों से। हम सभी लोग मोदी जी की चलाई दीप मुहिम योजना का विषय में आप जो अब क्या कहना है? हम सभी लोग पूरे देशवासी मोदी जी के साथ कोरोना को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर हम नहीं निकलेंगे, ऐसा हम आपसे सबसे पूरी जनता से मोदी जी से वादा करते हैं। ये दीप जलाई मुहिम से कुछ इस बीमारी में फायदा होगा? देखिए, इसका कोई इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। केवल हमें तो ये दीप ये बताते हैं कि हम अपनी एक एकता किस तरह से प्रदर्शित करें ताकि हम देश के जो आपदा आई हुई है इससे किसी तरह से निकल सकें। केवल इसका संबंध कोई ऐसा नहीं है कि ये कोरोना को भगा देगा। केवल हमें अपनी एकता शो करनी है, जिसके लिए हम तत्पर हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी।